एक पासे गुरद्वारा साहब च वड़ के बेअदबी दियां खबरां लगातार सामने आ रही ने। औसतन दो तीन दिन छड़ के एहो जी खबर सामने आती है कि गुरद्वारा साहब अंदर वड़ के ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई है, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की गई है। तो हुण दूजे पासे चोरां ते ठग्गां ने भी अत चक लई है। नवा हादसा जिहड़ा वापरिया वो खडूर साहब तो दस्या जा रहा है, जिथे गुरद्वारा साहब अंदर सरकारी मुलाजम बन के संगतां तो पैसे ठगे जा रहे सी, संगतां तो पैसे हेठे जा रहे सी, 100-100, 200-200 रुपए की परचियां कट रहे सी। ए दो नौजवान जदों मौके ते पहुंचे, निहंग सिंघां ने इन्हां नूं धर दबोचिया, तो उस तो बाद इन्हां ने अपने आप कबूलिया कि ये लोकां नाल ठगी करदे पए सी, लोकां नाल ठगी करके उन्होंने पैसे हेठण की कोशिश कर रहे थे। दस दिए कि 100-100, 200-200 रुपए दियां परचियां कट रहे थे, नकली सरकारी मुलाजम बन के आए थे, कह रहे थे सरकारी स्कीम के अधीन लोगों दियां परचियां कट रहे हैं। तो उस वेले निहंग सिंघां दे हत्थे चढ़ जाते हैं, निहंग सिंघां वल्लों इन्हां नूं बन्न के इन्हां नाल कुटमार की जाती है, इन्हां नूं सबक सिखाउण की कोशिश की जाती है। तस्वीरां वायरल हो रही ने, तस्वीरां सामने आ रही ने जिथे निहंग सिंघां वल्लों इन्हां ठग्गां नूं फड़ के इन्हां दी कुटमार की जाती है। वो तस्वीरां वेखदे आ, फिर पूरी जानकारी लवांगे। तस्वीरां खडूर साहब दियां दसियां जा रहियां ने, जिथे गुरद्वारा साहब दे अंदर ही इन्हां ठग्गां नूं धर दबोचिया जांदा है, ते निहंग सिंघां वल्लों इन्हां दा जम के कटापा कीता जांदा, इन्हां नाल कुटमार कीती जांदी, इन्हां नूं सबक सिखाउण दी कोशिश जिहड़ी है कीती जांदी है। तस्वीरां असीं वेख के हटे हां, बन्न के इन्हां नूं कुट्टिया जांदा, इल्जाम लगदे ने ठगी दे कि संगतां नाल ठगी कीती जा रही सी। की पूरा मामला है, साडे नाल साडे सहयोगी मौजूद ने, उन्हां तों जाणन दी कोशिश करदे हां। रवि जी, पूरे मामले बारे जानकारी दिओ। जी सर, ये ना हल्का खडूर साहब के चक महर के गुरद्वारा साहब की घटना है जी, जिथे के पिछले दिन गुरद्वारा साहब चो गोलक के पैसे भी चोरी हुए सन, गोलक उठा के चोर लै गया सन। अज फिर कुछ व्यक्ति आते हैं अपने आप न जो ये सरकार के नुमाइंदे दसते हैं, लोगों को 100-100 रुपया लै रहे हैं कि साढ़े मतलब सरकार वालों तुहानू सिलेंडर जो सिलाई मशीन लैण लई जो 50,000 रुपए का कर्जा दिता जाएगा। तो लोगों इन्हों से शक पैदा है, तो लोगों वालों इन्हों की जो पड़ताल की जाती है, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट चैक किए जाते हैं। सो ये जे जाली पाए जाते हैं, जो नौजवान काम कर रहे हैं सारा कुछ, तो मौके से निहंग सिंह भी मौजूद ने, उन्होंने वालों इन्हों की जो कटापा भी इन्हों चाड़िया जाता है जी। जी, उस तो बाद प्रशासन को किसी तरह की इतलाह दी गई है रवि जी? ऐसी गल की है, उस तो बाद चौंकी फतेहाबाद की जो पुलिस है उत्थे पहुंचती है, तो इन्हों दो किले ले जाती है जी। काफ़ी एहोजियां वारदातां सामने आ रही, बेअदबी भी तुसीं दस के हटे हो, उस तो अलावा ठगी दियां वारदातां हो रही ने, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा? तो देखा जाए प्रशासन का कहना है कि साढ़े वालों का लगातार जिहड़ियां एहोजियां घटनावां जो अंजाम दे रहे हैं, दस पाउण दी कोशिश की जा रही है जी। जी जी, बहुत शुक्रिया रवि जी। और साफ तौर पर दस दईए कि इन्हां ठग्गां वल्लों कबूलिया भी गया कि असी ठगी कर रहे सी, जाली जिहड़े सरकारी मुलाजम बन के लोगों के नाल ठगी की जा रही होंगी है। गुरद्वारा साहब पहुँचते ने, संगतान ठगते ने, ये नौजवान संगतान फॉर्म्स के उत्ते साइन करवा करन नू कहिंदे ने, ते उस तो बाद उन्हां कोलों पैसे लै लेंदे ने। तुहानू दस दईए कि 100-100, 200-200 रुपया लै लेंदे ने, ते उस तो बाद उन्हां वल्लों एक परची जिहड़ी है वह भी दित्ती जांदी है उन्हां नू संगतान नू, ते जिस उत्ते इस तो बाद जिहड़े निहंग सिंघ इन्हां नू फड़ लैंदे ने, मौके ते मौजूद निहंग सिंघां वल्लों इन्हां नू बन्न लिया जांदा है। ते इह वी दस दईए कि जदों इह सब कुछ कीता जा रिहा हुंदा, जदों इस ठगी नू अंजाम दित्ता जा रिहा हुंदा, ते उस वेले संगतान नू कथित तौर ते इन्हां ते शक हुंदा है। जदों उस तो बाद इन्हां दा इन्हां दी तफतीश कीती जांदी है, इन्हां दे आई डी कार्ड्स फरोले जांदे ने, ते उदों सच जिहड़ा उह सामने आ जांदा है, ते भीड़ इकट्ठी हुंदी देख के
निहंग सिंघां नूं गुस्से विच आया देख के कबूल कर लेंदे ने कि ये ठगी कर रहे हुंदे ने, आपो अपने शहर का पता दसते ने, जलंधर तक के तालुक दसते ने। एक जिहड़ा शख्स एक जिहड़ा ठग हुंदा है वह जलंधर तो भी तालुक रखता है और पूरे मामले के जिथे अपने आप नूं सरकारी मुलाजम दस रहे हुंदे ने ते ठग जिहड़े ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल लेंदे ने। जानकारी मुताबक पुलिस नूं इतलाह कर दित्ती गई है और इस पूरे मामले नूं लैके तफ्तीश जिहड़ी है कीती जाएगी, पर फिलहाल जिहड़ी तस्वीरां सामने आईआं ने उस विच जाहिर तौर पर निराशाजनक है कि गुरद्वारा साहब विच जिथे पहलां बेअदबी दीआं वारदातां आए दिन वापर रहीआं ने उसका इंसाफ पुख्ता रूप में अजे तक नहीं मिलिया और उत्थे हुणे ठग भी चोरां ठगां ने भी गुरद्वारा साहब च जाके अत चक लई है और हुण आपो अपने तरीके अख्तियार करके नवें नवें तरीके कढ के ते लोकां तों संगतां तों पैसे ठगण दी कोशिश की जा रही है। आए दिन नवी नवी तरी जीम घड़िया जा रही, तरीके क्ढे जा रहे हैं तो यहो जे ही हूँ गुरद्वारा साहब च वड़ के सरकारी मुलाजम बन के तो लोगों को 100-100, 200-200 रुपए की परची कट्टी जा रही थी, लोगों को पैसे ठगे जा रहे थे। इस पूरे मामले के दस दीए कि इन्होंने ठगा ने अपने आप अपना गुनाह कबूलिया, इन्होंने की कुछ कहा तो बाकी संगत जौजूद से उन्होंने वालों की कुछ कहा गया, आओ सुनते हैं। ये जी फलौड़ आ इन्हों का सवेर के बैठे से आड़ के साढ़े लंगर बहुत अगे धक्का लगा वा जो साड़ी गोलक टुटी गुरद्वारा साहब की, तो सवेर द आ के इन्हों स्पीकर दे बुलाया वा भी 100-100 रुपया लेना वा तो लियाओ तुम सिलेंडर देने और सिलाई मशीन देनिया वा, हाँ जी 50,000 का लोन देना। ये सानू नहीं पता भी आए कितों इला कोई जाली बंदे आना कोई ब्लाक दे विचों। ये जी अज तो कोई 4 दिन पहलों मैं ब्लाक समिति मैंबर होने दिन तक फोन आया जिद बोलिया गया भी रूरल डिपार्टमेंट सेंटर का कोई महकमा आया उतों बोलते हैं तो पिंड कोई सिलाई मशीन कि गैस चूल्हे मिलने हो 50,000 तक का लोन सरकार दहूलत वा तो ये बारे तक कैंप लाना एक तो लोगों जागरूक करना तो भैया ठीक है आ जाओ कोई गल नहीं गी। अज जो इतने आए तो आके इन्होंने 100-100 रुपया इकट्ठा करना शुरू कर दिता तो इन्हों की जो पड़ताल की इनकुआरी की तो ये बंदे फ्रॉड पाए गए जी। असी महकमे को फोन इनफॉर्म किया, बी डी ओ साहब ब्लाक को इनफॉर्म कर दिता तो थाने इनफॉर्म कर रहे नहीं अजे तक इन्हें कुछ दस्या नहीं अपने बारे। मांग करते हैं भी यह जे लोग आ इन्हों तो सारी संगत को सचेत होना चाहिए वा तो सारे इलाके सचेत होना चाहिए वा, मतलब ये बहुत ज़्यादा वड्डा स्कैम चल रहा जी। मेरा विजय कुमार भाई मैं पठानकोट पठानकोट भाजी मैं मैनू तनखा से रखा पे अगे तो बस मैं ना लाना है जी आई कार्ड पा दे तो बस जी फार्म जो पिंड कैंप हैगा जी इतने तो जो गरीब लोगों ने स्कीम दें मतलब कि इन्हों पता सारा जो मेन है सारा आया पे मैं हो गया जी अजे कोई 4-5 दिन ला लो कहीं हाँ जी अपने पठानकोट पठानकोट तो जिले आए हैं तो उल्ले अपने गए हैं जरा जंडवाल पिंड है उतों आए हैं उतों फिर उन्हें फोन किया कि अमृतसर जाना है अमृतसर सीधे आ गए हैं जी। अब जो तू चक पिंड आया तरन तारण जिले के कहदे वास्ते आया ठगी मान जी की ठगी मारना है फार्म भरन जी कुछ नहीं बस मैं थोड़ी मजबूरी है कि मैं घरों कला रहा मैं पहला ही आया पहला ही मैं परसों ही आया जलंधर अमृतसर दूसरे बंदे ना रखे नहीं सर अभी पहला इतने अमृतसर के है 5 दिन दी हाँ पर अभी इतने कल ही आए उधर सर पिंस्टर की फोटो आ पिंस्टर की फोटो आ पिंस्टर तो डाउनलोड की हाँ जी पहला फ्रॉड है हाँ जी फोन किया
ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਸਟ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਲਿਸਟ? ਗੂਗਲ ਤੋਂ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ।